इसमें नाद मुनि जब वैकुंठ गए तो वैकुंठ जाके देखा इतना ऐश्वर्य वैभव, प्रभु इतना ऐश्वर्य वैभव, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ कितने सब संत लोग हैं, सब इतने इफल्जेंट हैं, इलस्ट्रियस हैं, तेजस्वी ओजस्वी हैं, वाओ। तो भगवान नारायण से वाकई कि प्रभु मैं यहाँ पर और लोगों को लेकर के आऊं। भगवान ने कहा ले आओ भगवान, लेकिन मैं काफी लोगों को लेकर के आऊंगा तो सब ये अकोमोडेट हो जाएंगे ना। भगवान ने कहा लेके तो आओ, जाओ ले आओ। नाग मुनि ने अनाउंसमेंट कर दी, जिसको चलना है खुला निमंत्रण है नारायण की तरफ से वैकुंठ जाने का, आइए 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 आइए। अरे सच में वैकुंठ जाने का, अरे क्या बात है, लोग बैठ लिए यान के अंदर बैठ लिए। तो वैकुंठ के बिल्कुल द्वार के बाहर जो एक्सटर्नल जो पेरिफेरी होती है वहां पहुंचे, वहां पर पहुंचे, वहां पर कुछ पेड़ थे, उनमें चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के देखे, चांदी के सिक्के गिर भी रहे हैं, कुछ वहीं बैठ गए। नाग मुनि का नहीं बैठना नहीं यहाँ पर, अंदर जाना है, तो आप चलिए हम आते हैं। तो कुछ आगे बढ़ गए, कुछ आगे बढ़ गए तो वहां को सोने के सिक्के गिर गए थे, तो कुछ वहीं बैठ गए उनको बटोरने के लिए, कहते यहाँ नहीं बैठना अंदर जाना है। तो आप चलिए हम ओला उबर करके आ जाएंगे, आप चलिए आप आगे चलिए। हम उसके और आगे का तो वहां हीरो के पेड़ थे, हीरे गिर रहे हैं वहां से, तो बाकी वहीं बैठ गए। कहते चलिए, नहीं आप चलिए, हम लोग आ ही रहे हैं बस, आप चलिए, आप हम पीछे पीछे आते हैं। तो नारद मुनि पहुंचे भगवान के पास, तो भगवान ने कहा वो आए नहीं आपके साथ कोई, मैंने यहाँ भेजा था, यहाँ तो सारा खाली है। प्रभु वो बाहर में ही वो निपट गए सारे के सारे, वो तो ये अटैचमेंट जो है ये हमें भगवान के पास जाने नहीं थी, बिकॉज वी गेट स्टक इन सो मेनी एल्योरमेंट्स। ये संसार के अंदर व्यक्ति फंस जाता है इस प्रकार से।